हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गया जिला इकाई की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पर धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के गया जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने की। धरना कार्यक्रम में पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार पूरी तरह से गरीब दलित विरोधी है और जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हाथी के दांत के समान है, जिनका कोई लाभ नहीं मिल रहा। सभी योजनाएं अफसरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। हमारे रेजिडेंशियल विद्यालय में जो गार्ड है उसको मिलना चाहिए 12,000-13,000, लेकिन आउटसोर्सिंग के लोग देते हैं उनको 3,000-4,000-5,000। इस तरह से हमारे सब लोगों को एक तरह से ठेला दिखा रहे हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति है हमारे। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए News 5 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News 5 Scoop ऐप। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें कैमूर के जिला अध्यक्ष अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पर बिहार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे नजर आए और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दिया। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए News 5 Scoop, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News 5 Scoop ऐप। कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब चांद थाना क्षेत्र के ब्यूरी में गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो करीब 20 करोड़ रुपए के कच्चा माल और मटेरियल बरामद हुआ, जिससे 12 से 16 लाख बनाया गया सिगरेट मशीन तथा उपकरण बरामद हुए। साथ ही 9 मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया। उस कंपनी में 16 अलग अलग ब्रांड के नकली सिगरेट तैयार किए जा रहे थे, हालांकि फैक्ट्री मालिक अभी तक फरार है। पुलिस तहकीकात में जुटी है। ये जानकारी कैमूर SP ललित मोहन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। इस अभियान में लगे पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की बात भी कही गई। ये गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र में ब्यूरी गांव है, वहीं पर अवैध सिगरेट का फैक्ट्री चल रहा था। उसमें SDPO भगुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इन लोगों ने रात्रि में छापामारी किया। छापामारी के क्रम में काफ़ी संख्या में वो मैन्युफैक्चरिंग होते हुए ही पकड़ाया गया। वहाँ पर छापामारी के क्रम में करीब 2 पिकअप वैन पकड़ाया है, करीब 12,000-16,000 बना हुआ सिगरेट मामला है। बाजार में काफ़ी उपकरण वहाँ पकड़ा गया है। इसके अलावा 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 16 अलग अलग ब्रांड के सिगरेट नकली बनाए जा रहे थे। उसके साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, उसका ये प्रिपेयर पूरा ये वहाँ मिला है। तो कार्रवाई